ज्योतिषाचार्य सुजीत जी महाराज के अनुसार चैत्र नवरात्र दिनांक 6 अप्रैल 2019 दिन शनिवार को प्रारंभ हो रहा है। इसी दिन प्रतिपदा है। इसी दिन से 9 दिन माता दुर्गा की पूजा अर्चना करके माता को प्रसन्न किया जाता है। माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति करती है। कलश स्थापना चैत्र नवरात्रि के प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के बाद अभिजीत मुहूर्त में करना श्रेयस्कर होता है। इसी दिन यदि चित्रा नक्षत्र तथा वैधृति योग हो तो वह दिन थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। 6 अप्रैल को वैधृति योग है, किंतु प्रतिपदा के कारण अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना कर लेना उचित है। इसी दिन रेवती नक्षत्र भी है। नवरात्र पूजन का आरंभ मिथुन कन्या धनु तथा मीन लग्न में ही करना उचित है, क्योंकि ये द्विस्वभाव राशियां हैं। कलश स्थापना का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त दिन में 11:58 से 12:49 के बीच अभिजीत मुहूर्त है। एक यह बात है कि इस समय कर्क लग्न है, यह चर राशि है, अतः कलश स्थापना का बहुत शुभ मुहूर्त नहीं माना जा सकता है। अतः 6:09 से 10:21 तक कलश स्थापना का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके पीछे का कारण यह है कि इस समय द्विस्वभाव मीन लग्न रहेगा। नवरात्रि की पूजा विधि। नवरात्र के समय घर में शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित कर माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पूरे नवरात्रि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। एक बात ध्यान रहे कि इस समय ब्रह्म मुहूर्त में श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ बहुत शुभदायी है। इसका पाठ करने से दैहिक दैविक तथा भौतिक तापों का नाश होता है। नवरात्र में श्री रामचरित मानस का पाठ बहुत पुण्यदायी है। माता के किसी सिद्ध पीठ का दर्शन कर आशीर्वाद लेने चाहिए। प्रतिदिन माता के मंदिर जाकर विधिवत दर्शन पूजन कर माता का आशीष प्राप्त करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। पूरे नवरात्र व्रत करके समाप्ति के दिन हवन करना चाहिए। इसी बीच आप दुर्गा सप्तशती के किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। मनोवांछित फल की प्राप्ति हेतु मंत्रों का विवरण तथा विधियां हैं। यह समय पूरे तरीके से माता दुर्गा के शरणागत रहिए, क्योंकि यही भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। माता आपके हर दुखों को नष्ट करके सुख प्रदान करेंगी। जय माता दी।